नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद एक बार फिर से आप तमाम साथियों से मिलना हो रहा है इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आप लोगों से जुड़े हुए। और बड़ा अच्छा मौका है, जन्माष्टमी का पर्व है, उसी पर कुछ पंक्तियां मैंने खुद से लिखी हैं और आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, इसीलिए आज ये लाइव आप सबसे जुड़ा हूँ। क्योंकि पीछे भी बीते 15 अगस्त को कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, फेसबुक पे अपलोड भी की थी, आप तमाम साथियों ने उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू आप सभी का कि आपको वो अच्छी लगी। तो आज भी कुछ ऐसी ही पंक्तियां जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लिखी हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। और अगर नहीं भी लगे, उसमें कोई सजेशन की भी अगर आपको कोई लगती है कि रिक्वायरमेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर डालें, कोशिश करेंगे कि अगली किसी रचना में उनको दूर किया जा सके। तो ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, एक छोटी सी ये कविता जो अभी लिखी है आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी, आप अप्रिशिएट करेंगे। यशोदा का लाल वो नंद का गोपाल है, यशोदा का लाल वो नंद का गोपाल है, मुरली मनोहर वो लड्डू गोपाल है, मुरली मनोहर वो लड्डू गोपाल है, रास रचैया वो तो दुष्टों का महाकाल है, रास रचैया वो तो दुष्टों का महाकाल है, यशोदा का लाल वो नंद का गोपाल है, राधा का कृष्ण वो तो मीरा का श्याम है, राधा का कृष्ण वो तो मीरा का श्याम है, माखन चुराने वाला वो जग का घनश्याम है, माखन चुराने वाला वो जग का घनश्याम है, कष्टों की धूप में वो शीतल आराम है, कष्टों की धूप में वो शीतल आराम है, राधा का कृष्ण वो तो मीरा का श्याम है, राधा का कृष्ण वो तो मीरा का श्याम है, शील का दाता है वो तो मुक्ति का धाम है, शील का दाता है वो तो मुक्ति का धाम है, शांति का दूत वो तो युद्ध में रथवान है, शांति का दूत वो तो युद्ध में रथवान है, मनमोहक मुस्कान वाला वो धर्म का आह्वान है, मनमोहन मुस्कान वाला वो धर्म का आह्वान है, सुदामा का यार वो जग में सबसे महान है, सुदामा का यार वो जग में सबसे महान है, सर झुकाकर करो वंदना, रवि इसमें ही सबका कल्याण है, यशोदा का लाल वो नंद का गोपाल है, मुरली मनोहर वो लड्डू गोपाल है। तो साथियों, ये छोटी सी एक रचना थी आप तमाम साथियों के साथ साझा की, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि कभी कभी कुछ हल्के फुल्के पलों में भी जीना चाहिए, जो आसपास चीजें चलती हैं उन मस्तियों में, उस मौज में भी रहना चाहिए। और भी बतेरे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर कभी कभी चर्चा हम करते ही रहते हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। आज सिलसिला कुछ भक्तिमय माहौल था, रचनाओं का माहौल था, तो एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। शुभ रात्रि, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है तो आप आराम कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको ये रचना कैसी लगी। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे बहुत जल्द।